सामने हाजिर हैं, जैसे कि हॉरर वीडियो की जो अपनी सीरीज है वो चल रही है। इसी के साथ एक हॉरर स्टोरी जो कि एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये स्टोरी जो मैंने उसने भेजी थी मेल पर, वो मैंने आपके सामने जो कि मेरी टैबलेट में है, तो यहाँ से मैं आपको ये पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। उसका सामना हुआ था शलावे के साथ। उसका नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, रियल नाम नहीं बताऊंगा, उसका नाम अपने मैं अपने हिसाब से रख देता हूँ रवि। जो मेरा सब्सक्राइबर रवि है, उसका सामना हुआ था छलावे के साथ। छलावा क्या होता है? जो अपना भेष बदल लेता है और अपने को किसी भी अपने जैसे फैमिली मेम्बर है उसमें हिसाब से आवाज़ लगा सकता है, किसी की आवाज़ निकाल सकता है, किसी का बेस बना सकता है। और ये कहानी जो आपको बता रहा हूँ, ये कहानी है, वो अपनी मौसी के गांव गया था छुट्टियों में। वो दोनों बहन भाई अपनी मौसी के गांव, जो कि था उनसे 70-80 किलोमीटर दूर, मतलब पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग हैं वो, तो वहाँ से था, तो वहाँ वो दोनों गर्मी की छुट्टियों में गए अपनी मौसी जी के पास। उनकी जो मौसा जी थे वो वहाँ जॉब करते थे, सरकारी टीचर की जॉब करते थे, मैं जगह का नाम नहीं बताऊँगा, तो जॉब करते थे। तो वहाँ ये दोनों चले गए, बहन भाई और उनके मौसा जी के लड़के, वो भी बहन भाई दोनों थे, चार जने हो गए। और ये डेली शाम को खेलते और अपने जैसे आपने सबका होता है कि बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर हॉरर स्टोरी सुनने का सबको इंटरेस्ट होता है, कोई ना कोई स्टोरी बताओ। शाम को जैसे 5-7-20 जने बैठते हैं बुजुर्ग, किसी के पास भी अपने दादाजी के पास तो सुनते हैं, तो उन्होंने एक स्टोरी बताई जो कि जेन्युइन स्टोरी थी। तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, जो अपनी मौसी के घर लड़का गया था, दोनों गए थे अपने बहन भाई, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सच में उनकी रूह कांप गई। ये छलावे की एक स्टोरी है कि ये चीज़ उसके साथ भी सेम वैसे ही हुई। वो जहाँ रहते थे वो एक जंगल इलाका था, वहाँ उसके मौसा जी को सरकारी क्वार्टर मिला था क्योंकि वो एक मास्टर जी थे, तो वो उनको लेके वहाँ पहुँचे। जैसे ही तो 2-4 दिन ऐसे ही गांव वालों के साथ खेल कूद करने के साथ साथ मिलजुल गए थे। तो ऐसे बैठे बैठे वो रात को एक स्टोरी सुनाने लगे। उनका जो घर था वो आपको बता दूं, वो एक जंगल के इलाके में था, जैसे जो शिमला वगैरह कुल्लू वगैरह इधर जाओगे तो आपको दूर दूर घर मिलेंगे पहाड़ी के आसपास, वैसे उनका जो क्वार्टर था वहाँ था। और उसका जो क्वार्टर की खिड़की थी वो जंगल के बाहर खुलती थी, मतलब दूसरी तरफ जंगल था और एक तरफ गांव वाला था जहाँ अलग अलग घर बने हुए थे। तो ये कहानी में वो शाम को रोटी वगैरह खा के ये खिड़की पर बैठ जाते, जहाँ बहुत ठंडी हवा आती थी जंगल की तरफ से। तो ऐसे ही बैठे बैठे उसके जो मौसी का लड़का था जिनके घर वो आया था रवि, तो उसको बताया कि ये जंगल में एक ऐसा आदमी रहता है, ऐसी एंटिटी रहती है कि जो अपने को पास बुलाती है। तो ऐसा वो हंसने लगा कि यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा ना ही तो कोई किसी को बुला सकता है, क्योंकि आप में से भी कोई होगा जो विश्वास नहीं करता होगा। तो सबसे पहले कहानी रवि से स्टार्ट होती है। तो रवि ये बात सुनकर खिड़की में बैठा था जंगल की वही, तो वहाँ हंसने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई ऐसी एंटिटी होती है जो कि किसी को बुलाती है और जंगल में ले जाती है और उसके बाद में वो नहीं मिलता, ऐसी कोई कहानी बताई। कहानी का मेन पार्ट था कि एक बेटा और बाप दोनों खेत जाते हैं उनके आसपास ही जंगल में, और जैसे बेटा अपने बाप से थोड़ा दूर होता है तो उसको एक एंटिटी, मतलब कोई छलावा ही समझ सकते हैं, जंगल से कोई उसको आवाज़ लगाता है सेम उसके पापा की आवाज़ से। तो वो ये आवाज़ सुन के, अपने पापा की आवाज़ सुन के कि आजा जंगल में चलते हैं, ऐसी आवाज़ सुन के तो वो साथ चला जाता है। उसको लगा कि मेरे पापा की आवाज़ है, पर वो आवाज़ उसके पापा को दूर खड़े को भी सुनाई देती, पर उसके साथ ही वो जो लड़का था उस आवाज़ के साथ साथ जंगल में चला गया। वो उसके बाद में उसको कभी भी नहीं मिला, उसका पापा ने भी जंगल में जाके ढूंढा पर वो छलावा जो उसको साथ ले गया था वो लड़का फिर कभी भी नहीं मिला। ये स्टोरी थी जो मेन इस करेक्टर की, जो रवि को बताई थी उसके मौसा जी के लड़के ने खिड़की में बैठ के। यहाँ से होती है स्टोरी स्टार्ट। तो ये जब सुनने के बाद में वो सारे जने हंसने लगे। शाम को जैसे खिड़की में बैठते वो डेली यही बात करते और हंस लेते। एक महीने की छुट्टियों के लिए रवि अपने मौसी जी के घर आया था। और इसी के साथ क्या हुआ कि एक दिन रवि और सारे जने बैठे थे, 9 बजे के करीब का टाइम था, और उसके जो मौसी जी का लड़का था वो
नीचे टीवी देखने के लिए चला गया और बाकी जने 9 बजे के करीब सो गए घर के। और रवि की क्या आदत थी रोटी खा के, वो 2-4 घंटे ठंडी हवा के लिए बैठता था जंगल वाली तरफ खिड़की खोल के। तो एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी मौसी जी का लड़का उसको जंगल की तरफ से आवाज़ लगा रहा था बाहर से कि आजा अपने जंगल घूमने चलते हैं, देखते हैं कि अपने को भी कुछ होता है कि नहीं, जंगल में थोड़ी सैर करके आते हैं, रोटी वगैरह खाई है। पर उसको उसकी मौसी जी का लड़का रवि को कह के गया था कि मैं टीवी देखने के लिए नीचे जाता हूँ। तो जैसे रवि को 2-3 बार वही सेम वॉइस सुनाई दी तो रवि ने कहा कि चलो चलते हैं नीचे। पर रवि को नीचे आके क्या पता लगा, जैसे वो खिड़की से दूसरी मंजिल से नीचे आया घर के, तो उसको पता लगा कि उसका मौसी जी का लड़का तो टीवी देख रहा है कमरे में, कमरा गेट बंद करके। फिर उसने गेट खड़काया कि अपने, हाँ मौसी जी के लड़के को पूछा, उसका कोई भी नाम होगा तो उसको पूछा कि हाँ किधर हो तुम, गेट खड़काया। तो उसने आगे से जवाब दिया कि मैं तो टीवी देख रहा हूँ इस रूम में। और उसने कहा कि तू जंगल में से मेरे को आवाज़ क्यों लगा रहा था। तो वो आगे से मौसी जी का लड़का हैरान हो गया कि मैं तो अपने रूम में बैठ के टीवी देख रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई आवाज़ तेरे को नहीं लगाई है। तो ये चीज़ सुन के वो दोनों हैरान हो गए। फिर दोबारा वो कह रहा कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ। फिर वो दोबारा खिड़की में गया तो वो सेम एंटिटी फिर उसे आवाज़ लगा रही थी, वही मौसी जी की शेप, जो मौसा जी का लड़का था उसकी सेम शेप, सेम शक्ल में जंगल की तरफ में खड़कर उसको कह रहा था कि आजा चलते हैं जंगल में। तो वो क्या था, वो था एक शलावा जो कि रात के टाइम सेम जैसे उस लड़के को जंगल में ले गया था, तो इस रवि को भी वो जंगल में सेम उसी तरह लेके जाने वाला था। पर उसको ये चीज़, उसने जैसे ही सुबह ये चीज़ जो उसके साथ हुई ये अपने सारे घर वालों को, मौसा जी को, मौसी जी को और गांव वालों को बताई, तो फिर उन्होंने बताया कि ये चीज़ से तेरे को बच के रहना है। उसके साथ 10 दिन लगातार ऐसा हुआ, 10 दिन उसको अलग अलग वॉइस में, अलग अलग कभी मौसी मौसा, उसकी माँ की आवाज़ में और उसकी बहन की आवाज़ में डेली उसको जंगल से आवाज़ आती। तो पर उसको घर वालों ने बता रखा था कि तुमने इसको इग्नोर करना है, तू चला गया तो फिर तू वापस नहीं आएगा। और ये स्टोरी जो उसने मेरे को बताई, ये इतनी स्टोरी थी। और इसका सेकंड पार्ट जो उसने आगे क्या हुआ, उसके बाद में उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई तो फिर वो अपने मौसा जी उसको उसके घर छोड़ आए, बहन और भाई को। और ये इतनी स्टोरी है। और आगे कोई स्टोरी किसी की सब्सक्राइबर को हो रहा स्टोरी पता है तो प्लीज़ अपने को अपने मेल पर स्टोरी जरूर सेंड करना, और ऐसी स्टोरी आपके लिए हॉरर स्टोरी लेके आता रहेंगे पॉडकास्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।